अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो ये 22nd पार्ट बन रहा है उस वीडियो का सीएससी की स्कॉलरशिप्स के ऊपर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले पार्ट के अंदर मैंने ये बताया था कि आप जो है वो सीवी कैसे बना सकते हैं अपनी सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, और सीवी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो है वीडियो लगा दूँगा, ताकि आप जाके वो पहला पार्ट देख लें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बेसिकली जो है चाइना से स्टार्ट मैंने अपनी जर्नी की थी। मैं इस वक्त कनाडा में हूँ और मैं इस चैनल के ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ मोस्टली स्टडी रिलेटेड हो सकती है, भाई स्टडी जो मैंने एक्सपीरियंस बाहर किया है डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी करने का, तो वो उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ ताकि यार किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा आज की वीडियो का टॉपिक मेन है जी एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर क्यों ज़रूरी है आपको सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, आप ये कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात भी मैं करूँगा, जैसे कि यार कौन कौन ये बंदा स्कॉलरशिप आपकी स्कॉलरशिप में या एक्सेप्टेंस लेटर में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि यार आपको ये कौन कौन से बंदे जो हैं वो आपकी एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास कुछ दोस्त आए, उन्होंने बताया कि जी फलाना फलाना बंदा है, वो बता रहा है मुझे कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे देगा। अब वो जब उस बंदा के उसके पास गया, ठीक है, तो कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है जी मुझे पैसे दे दो मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे के दे देता हूँ। तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना लाजम है, क्योंकि मैं चाइना में बड़ी पहले गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का चाइना में, नॉट सिर्फ चाइना का बाकी दूसरे कंट्रीज़ का भी। तो यार सबसे पहले कि मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से बंदे ये लेके दे सकते हैं जी। आपका एजेंट जो है, अगर आप लेट से आपसे स्कॉलरशिप है या एक्सेप्टेंस लेटर है, आप अगर आप एजेंट के थ्रू चाहते हैं तो वो भी आपको लेके दे सकता है। एजेंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, आपका कोई फ्रेंड होगा चाइना के अंदर जिसे इस प्रोसेस का पता है कि ये प्रोसेस के थ्रू कैसे जाना है, कोई आपका टीचर हो सकता है। तो आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर को बोलते हैं जी मैं सर मैं जो है अपनी मास्टर के अंदर स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे जो है आप रिकमेंड कर दें। तो मोस्टली केसेस के अंदर अगर आपके साथ टीचर के साथ अच्छा ताल्लुक है तो वो आपको रिकमेंड कर देता है, और टीचर की काफ़ी सुनी जाती है यहाँ पे। ये एक आपने याद रखनी है, जो प्रोफेसर वगैरह होता है उसकी काफ़ी सुनी जाती है यहाँ पे। खैर ये तो होगी वो बातें, कंसल्टेंट्स हो गए, एजेंट्स हो गए, आपका कोई दोस्त हो गया जो चाइना के अंदर है, आप खुद भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये प्रोसेस बड़ा ही ईजी है जी, बस जाओ दो तीन क्लिक मारने और आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जानी है। स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन आपने जो है थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करनी है। अगर आपने इस तरह काम खुद करना है तो इस पे ऊपर सारी आपको मेहनत चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही ये है। कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो टोटली गरीब हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाना लाजम समझी कि यार एक जो इंडिविजुअल बंदा होता है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो कि सर्विस वगैरह ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद अपने बलबोते के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इन वीडियोज़ के अंदर मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा, हर वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि जो एक इंडिविजुअल बंदा होता है उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सर्विसेज आती हैं उसकी एक उसकी स्टोरी कलहदा है, तो वो किसी और दिन जो है वो डिस्कस की जाएगी। तो जी मैं आपको लेके जाऊँगा अब लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊँगा कि आपने जो ईमेल्स के जो टेम्पलेट्स हैं, सैम्पल्स हैं, वो किस तरह लिखने हैं या किस तरह बनाने हैं, और अपने जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें कैसे ढूंढना है। मेन टॉपिक ये है कि उन्हें ढूंढना कैसे है और उन्हें बाद में ईमेल किस तरह करनी है। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर। अच्छा जी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो दिखाता हूँ कि भाई टेम्पलेट होता किस तरीके का है, कि आप टेम्पलेट्स हो गया, ईमेल का टेम्पलेट हो गया कि आपने किस तरह सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं बताऊँगा कि आपने प्रोफेसर कैसे ढूंढने हैं और ठीक है अप्लाई कैसे करना है वहाँ पे। तो यार ये मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया था, इसमें बेसिक चीज़ें हम नोट कर लें कि बेसिक चीज़ें हैं क्या। आपने ये बताया कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपकी क्या डिग्री थी, ठीक है। ये आप ये वाला हिस्सा आप कार्ड भी लेने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी छोटी हो ईमेल उतना बेहतर है। छोटे से मात के सिर्फ टू द पॉइंट बात हो, ये नहीं कि वो बेचारा प्रोफेसर पढ़ने का दिल ही ना करे, इतने लंबा छाप दो वहाँ पे। तो ठीक है जी, आपने ये बताया कि 2023 के लिए या 24 के लिए मैंने आपका जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, शायद आपसे कोई जो है ना स्कॉलरशिप मुझे मिल जाए। डिपार्टमेंट है आपकी, जो रिसर्च है वो मेरी बिल्कुल सेम है जी। मैंने आप अपनी जो है वो सीवी साथ में अटैच कर दी है, ताकि आपको जो है ना कन्वीनियंस हो जाए। अगर आपको कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो आप मुझसे आगे ले लें। मैं इस तरह के दो तीन जो है मज़ीद बना के वहाँ पे जो है ना ये ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ पे सेंड मार दूंगा। ग्रुप का लिंक मैंने फेसबुक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ये बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ है, मुझे नाम का भी नहीं पता कि भाई नाम क्या रखना है ग्रुप का फिलहाल। तो फिलहाल जिस तरह सीन चलता चलाते हैं, बाद में जो है ना ग्रुप को चेंज कर लेंगे। तो ग्रुप में मैंने एक चीज़ रखी हुई है, ये जो है ना सीएससी की यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग, ये बड़ी लाजम है, क्योंकि अब यहाँ से आपने जो है ना अपने जाके ढूंढने हैं। लेट्स से अगर आप हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मोस्टली यूज़ करती हैं साइंस टेक्नोलॉजी, ये कीवर्ड्स यूज़ करती हैं। अगर मेडिकल की है तो ज़ाहिर सी बात है मेडिकल का जो कीवर्ड है यूज़ करना है। मेडिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये आ गया, थोड़ा मिनिमाइज करके दे, हाँ मेडिकल की चीज़ें हैं इसमें 86 यूनिवर्सिटीज़। और मैंने शायद पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ ब्लू के अंदर हैं, जैसे कि ये थोड़ी सी अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये थोड़ी सी मशहूर भी हैं। बाकी आपका एडमिशन किसी में भी हो सकता है, जो बाकी भी हैं
लेकिन वो छोटे लेवल कितने अच्छा उनका रैंक नहीं है, मैं ये बोलूँगा। जैसे कि जीनिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई जी, ये कुनमिन मेडिकल यूनिवर्सिटी आई, सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लाउनिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई। हम सर्च करते हैं कोई जी इंजीनियरिंग वाली, साइंस, साइंस की कितनी आ गई हैं, साइंस की हैं जी 119 यूनिवर्सिटी यहाँ पे। अब इनमें से हम दो तीन यूनिवर्सिटी ओपन कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यहीं से नेक्स्ट करता हूँ, ब्लू वाली पे जाएंगे जी। शैंडोंग आ गई है, शैंडोंग चेक करते हैं, ये भी चेक करते हैं जी। कॉपी की यहाँ से, यहाँ पे ये पेस्ट। एक दो मज़ीद यूनिवर्सिटी यहाँ से ढूंढ लेते हैं ताकि हमारे पास शंघाई, शंघाई की भी, शंघाई में भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। वैसे शंघाई में ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है मे बी, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं जी। इंजीनियरिंग की आ गई, साइंस, साइंस कॉपी पेस्ट। इसके अलावा कोई एक दो मज़ीद यूनिवर्सिटी में भी हम कर लेते हैं जी। कोई बिज़नेस की यूनिवर्सिटी, बिज़नेस में इकोनॉमिक्स यूज़ कर लेते हैं वर्ड, या कोई सीधा बिज़नेस ही यूज़ कर लेते हैं। बिज़नेस ये आ गई, बिज़नेस की है 45 यहाँ पे। हम ब्लू की, कोई ब्लू के अंदर कोई यूनिवर्सिटी देखेंगे जी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। हाँ जी, बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिज़नेस यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसको भी हम कह लेंगे, कॉपी करते हैं यहाँ से। ये जो एजेंसी नंबर आप देख रहे हैं, इसको, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी नहीं लेकिन बाद में। आपने वहाँ पे लिखना होता है जी कि मेरा एजेंसी नंबर क्या है। अच्छा जी, इन तीनों को खोलते हैं। मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट, मैंने जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे चाइना के अंदर, मैंने कोई ना कोई उनको पहले खोल कर रखा हुआ है, क्योंकि मेरी रिसर्च जो है वो चलती रहती है। अच्छा, शेंडोंग आ गई, ये तीन यूनिवर्सिटीज़ आ गई। अब यहाँ से ढूंढने हमने जी प्रोफेसर, जो मेन हमारा मिशन है, मिशन प्रोफेसर है। सबसे पहले कोशिश करते हैं जी हम, हाँ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपने प्रोफेसर ढूंढ के उनकी रिसर्च जो पोजीशन है वो कैसे ढूंढनी है। इस दफ़ा सिर्फ उनकी ईमेल ढूंढनी है वहाँ पे जी, ईमेल कौन सी है उनकी, और उसके अलावा जी हम कॉन्टैक्ट उसे किस तरीके से कर सकते हैं। कॉलेजेस में जाने की कोशिश करते हैं जी, रिसर्च कॉलेजेस मोस्टली जो होता है ना यहाँ पे, इंग्लिश की जो उनकी बनाई होती है ना, इंग्लिश में कुछ नहीं मिलता, हमें जाना पड़ता है वहाँ पे जी चाइनीज़ लैंग्वेज में जाना पड़ता है, तो फिर कुछ होता है। लेकिन हम ट्राई करते हैं, स्कूल्स में जाएं, डिपार्टमेंट में जाएं सबसे पहले। यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए तो उन्होंने हो गया, लेकिन क्लिक वाला सिस्टम नहीं है कहीं पे। चाइनीज़ में चेक करते हैं, इसके डिपार्टमेंट तो आ गए हैं। अच्छा, बीजिंग का भी देखें, एडमिशन है, स्कूल है, डिपार्टमेंट्स आ गए। अच्छा जी, डिपार्टमेंट्स में हमने ढूंढने हैं अपने, डिपार्टमेंट्स में ये कैसी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, स्कूल्स चेक करते हैं। हाँ, ये स्कूल्स ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स चलें, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ट्राई करते हैं इसमें, प्रोफेसर ढूंढने। अच्छा जी, यहाँ पे हम जी इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ये चेक कर लेते हैं इंजीनियरिंग में। ये यहाँ पे प्रोफेसर आ गए, यहाँ इसके प्रोफेसर तो मिल गए। पाकिस्तानी स्टडी प्रोग्राम्स कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पे कुछ नहीं मिला जी। रिसर्च स्ट्रीम स्टाफ प्रोफेसर, यहाँ पे है प्रोफेसर जी, ये प्रोफेसर आ गए, चेक करें इन्हें ज़रा खोल के। हमने सिर्फ मैसेजेस करने हैं या ईमेल करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को करना है, या बढ़िया बड़ा काम ख़राब हो जाए तो फिर एसोसिएट जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें करना है। लेक्चरर्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाते। हमने प्रोफेसर ढूंढा जी, प्रोफेसर आ गई हैं, इनकी ईमेल यहाँ पे लाजम होनी चाहिए। ईमेल नहीं दी हुई यहाँ पे, ये काम ख़राब है। ये कभी कभार होता है कि यार ईमेल नहीं दी होती इन्होंने, तो थोड़ा सा ना खजर खबाड़ी करनी पड़ती है इस चक्कर में, लेकिन मोस्टली केस में आपको ईमेल जो है वो मिल जाती है। ईमेल मिल गई, जैसे कि इस प्रोफेसर का क्या बना जी, हाँ ये आ गई, इसकी ईमेल तो आ गई। यहाँ पे इसकी रिसर्च फील्ड भी हो गई, कोई ना कोई ये इसने बता भी दिया कि मेरी रिसर्च एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, जस्ट इन केस आपको इसका थोड़ा सा मजीद अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है, तो इसके जो अल्फाज हैं वो थोड़े से उठा के उस ईमेल में डाल दें, उस अपनी जो सीवी है उसमें डाल दें, रेज्यूमे में डाल दें, इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छा, एक का नहीं मिला, हाँ देखिए इसका मिल गया। देखिए इसका सिस्टम ही ये है यहाँ पे कि भाई किसी का है किसी का नहीं है, जिसके पास है उसको उसको अप्लाई मार दें, उसको ईमेल सेंड मार, इसने हमने दो ईमेल दी हुई हैं, दोनों को टैग करें साथ में सेंड कर दें।
अच्छा जी, इसके अलावा ईमेल इसका ढूंढ, इसका चेक करते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया हमने। रिसर्च टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल प्रोफाइल, इसका थोड़ा सा बड़ा अजीब सी इसकी जो है ना सिस्टम बन रहा है। खैर, बताने की सिर्फ वीडियो लंबी हो जानी है इसके 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 चक्कर में, लेकिन बताने का ये सिस्टम है कि आपने ईमेल जो ढूंढनी है, लेट्स से अगर आपने इस बंदे की ईमेल ढूंढ ली, ठीक है, आपने जाना चुप करके इसको कॉपी मारना यहाँ से, आप जाएं अपनी जीमेल पे। अब जी सवाल आता है कि जी हम कौन सी ईमेल यूज़ करें, जौन सी भी है यूज़ कर लो, ईमेल ईमेल है, उसने क्या करना है, जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, जौन सी भी है यूज़ करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जी बंदे पूछते हैं जी किस टाइम जो है प्रोफेसर को ईमेल करनी चाहिए। प्रोफेसर यार, प्रोफेसर का सिस्टम ये है कि उसने एक एग्जैक्ट टाइम, कुछ मैंने कमेंट्स पढ़ता हूँ जाके ग्रुपों के अंदर, जी आपने सुबह 5 बजे उठ के उसको ईमेल कर देनी, यार ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर का अब जब उसे टाइम मिले, अब उसने उसी वक्त जाके आपकी ईमेल चेक करनी है, स्पेशली एक टाइम नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेसर है उसके स्केड्यूल का आपको नहीं पता कि भाई वो इस वक्त फारग होता है, इस वक्त उसकी क्लासेस कोई फ्री होती हैं या इस वक्त वो क्लासेस में जाता है, तो बस जिस टाइम हो ईमेल कर दें। लेकिन कोशिश करें कि जो डे टाइम है, वर्किंग आवर्स होते हैं चाइना के, उस हिसाब से अपने एडजस्टमेंट कर लें, ईमेल उस वक्त आप सेंड कर दें। आप एक डिपार्टमेंट के अंदर कोशिश करें कि एक प्रोफेसर को ही तंग करें, बाकी सबको ना ही छेड़ें तो बेहतर है। हाँ, अगर एक प्रोफेसर फिर नहीं आता, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उस प्रोफेसर के जो बंदे हैं, आपको समझ लग जाएगी यार ये 2-3 प्रोफेसर हैं, ये 2-3 में से ये वाला जो प्रोफेसर है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको सेंड मारते हैं, तो वो कर दें। फिर इसका ईमेल्स का वेट करें। अब रिसेंटली हो ये रहा है कि हमारे जो बंदे हैं इतनी ईमेल इस प्रोफेसर को कर रहे हैं कि प्रोफेसर साहब खुद पागल हो गए हैं, तो ये भी एक चीज़ है। तो लेकिन यूनिवर्सिटी चाइना में है ही बहुत यार, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। बाकी यार ये सारा प्रोसेस था कि आपने ईमेल्स ढूंढ के प्रोफेसर को ईमेल्स करनी किस तरीके से है। मैं ये जो है एक दो मजीद फॉर्मेट जो है इस ग्रुप के अंदर सेंड मार दूंगा ताकि आप लोगों तक ये पहुंच जाए। ये पहली मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, दूसरी में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अपने दोस्तों को ऐड करें ग्रुप के अंदर, बाकी जो भी मुझसे कोई सवाल करना है तो यार ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये वाला, इस पर ये फ़ोटो लगी हुई है, तो आप ये जाके मुझे ऐड कर लें वहाँ पर फेसबुक पर, तो मैं आपके जो है रिप्लाई की कोशिश करूँगा कि आपको जो रिप्लाई कर दूँ, किसी तरीके से आपकी जो हेल्प हो जितनी मैं कर सकूँ कर दूँ। बाकी अगर आप इसके अलावा और कोई सिस्टम हो मुझे बताएं, तो आपको मिलता हूँ भाई जी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जी रेफरेंस, क्योंकि आपका रेफरेंस लेटर जो है वो बहुत लाजम है, रेफरेंस लेटर के बगैर जो है काम बड़ा ख़राब हो जाता है। आपने रेफरेंस लेटर है वो किस तरीके से बनवाने हैं अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो चीज़ पे बनेगी। ये वीडियो थी कि आपने प्रोफेसर कैसे ढूंढने हैं, उन्हें ईमेल किस तरीके से माननी है। तो ईमेल का टेम्पलेट मैंने दे दिया, प्रोफेसर मैंने डाल दिया, अपनी सीवी ऐड करें, अटैच करें, उसे आगे जो है ना भेज दें। जब प्रोफेसर आपसे मांगे चीज़ें कि यार हाँ मुझे अब अपना रिसर्च प्रपोजल दो, अब मुझे अपने ये फलां फलां डॉक्यूमेंट्स दो, फिर उन्हें जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करो, अगर एक सारी सारी चीज़ें इकट्ठे ऐड करते जाओगे तो प्रोफेसर जो होगा ना वो थोड़ा सा तंग आएगा। मतलब मुझे कोई ईमेल आ जाए, ठीक है, उसमें 10-20 डॉक्यूमेंट्स हो, मैं अकेला अकेला डॉक्यूमेंट्स खोल के देखूंगे भाई बीच में है क्या, तो उसे सिर्फ अपनी सीवी सेंड करो। अगर उस बंदे का मूड हुआ तुम्हें रखने का तो रख लेगा, नहीं तो फिर भाई अगला प्रोफेसर, सिंपल। तो जी ये थी सारी वीडियो। अगर तो खुद अप्लाई करना है, खुद अप्लाई में ये सारा सिस्टम है, तो मुझे उम्मीद है कि यार आपका कोई ना कोई सीन लग जाएगा। मेरा एक दोस्त है उसके खुद भी लगी है, तो यही सारी वीडियो है। इंशाल्लाह मैं सबका दुआ यही करता हूँ कि यार आप लोगों को भी कोई ना कोई कोई वसीला मिल जाए, ठीक है, कोई तरक्की करने का। तो मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।